चलो सुनो, जब हम लोग ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे तो हम लोग ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल लिख ले बस, नाराज मत हो, ठीक है ना? फ्रॉम अ रीजन ऑफ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर, ब्रैकेट में लिखना हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब क्या बेटा? कहने का मतलब ये है, जिस जगह पर पानी कम है, जिस शरबत में पानी कम है, उस शरबत को हम लोग बोलते हैं ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। और जिस शरबत में पानी ज्यादा होगा, जो डाइल्यूट होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इस तरीके से लिखवाया है। जब हम लोग डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। डिफ्यूजन किसी में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, ठीक है ना? ऑस्मोसिस के केस में सिर्फ कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करेंगे, सॉलिड और गैस मूव नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट, डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने एक कंटेनर में क्या लिया? पानी लिया, पानी में क्या डाल दिए? रेजिन्स डाल दिए। आफ्टर सम टाइम चाहत, आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा? आफ्टर सम टाइम ये रेजिन्स फूल जाएंगे ऐसे, ठीक है? अब जिस बच्चे को ये लग रहा है कि रेजिन्स जो किस्मत में यहाँ पर छेद होता है उससे पानी गया, तो वो बच्चा गधा है। क्यों? क्योंकि किशमिश का जो ये स्किन होता है, किशमिश की जो स्किन होती है वो अपने आप में कैसी होती है? सेमी परमीएबल। कैसी होती है? और क्योंकि ये आपकी आवाज स्किन बहुत सेमी धीरे आ रही परमीएबल है। होती है, इसकी वजह से क्या होता है? पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जब जाओगे तो तुम्हें ध्यान आएगा, हम लोगों ने एक और एक्टिविटी क्लास में डिस्कस कर दी आलू के साथ, याद है क्या? पटाटो वाली। चलो, सक्षम को ये एक्टिविटी याद नहीं है, वो किसी को नहीं बोल रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक आलू लेंगे ऐसा गोल गोल आलू, ठीक है ना? अब इस गोल गोल आलू को हम लोग नीचे से काट देंगे। क्या करेंगे? नीचे से काट देंगे, कैसे? यहां से, ताकि इसका ये वाला सरफेस क्या हो जाए, और आलू का ये वाला रीजन भी स्कूप आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? इतना रीजन। तो अब मेरे हाथ में जो आलू बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, कैसा? जैसा मैं बना रही हूं वैसा। हाँ, ऐसा आलू बचेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस आलू के बाहर पानी भर देना है। क्या भर देना है? इधर सब जगह पानी, पानी।
पानी पानी पानी। और इसको बहुत देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, इसको बहुत देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम वी वुड सी कि आलू के ये वाले रीजन में हमको कौन दिखेगा, पानी। तो क्या कोई जादू हुआ जो पानी कहाँ से कहाँ आ गया? कैसे नहीं दीदी, यहाँ जाएगा? फोर्स पे ज्यादा करेगा तो पानी नहीं, है। पानी चल के यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, पानी दी पानी डालेंगे तो कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, नहीं तो ना पानी ना डालेंगे तो ना। फिर बार तो मैंने पानी का अगर तेरे अंदर उगालते हैं कि पानी इसमें भी डल गया, तो मैं ये कह रही हूँ यार पानी तो अपन इस लेवल तक ही रखेंगे, तो भी उधर आ जाएगा, तो भी उधर पानी आ जाएगा। ठीक है ना, यदि तो ऑस्मोसिस उधर पानी क्यों ना क्यों आएगा, कैसे आएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो आलू की ऑस्मोसिस सरफेस है ये अपने आप में क्या है, एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है। ये अपने आप में क्या है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। और इस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पानी कहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ। उड़ के नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? में कितने तरीके के होते हैं? दो, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है ना, कितने तरीके के ऑस्मोसिस होते हैं? बस एक होता है एंडो ऑस्मोसिस। नहीं, ठीक है, बहुत दूसरा बेटा, और दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, when cell gains water, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडो एंडोस्मोसिस। ठीक है ना, थोड़ा और when cell loses water, when cell loses water, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोस्मोसिस। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैंने किशमिश पानी में रखी बोले तो किशमिश में स्वेलिंग आ गई, वो फूल गई। ठीक है ना, तो रेजिन्स का जो फूलना होता है वो अपने आप में क्या होता है? एंडोस्मोसिस होता है। ठीक है ना, और मानो मैंने कोई फूली भी चीज दी, मैंने अगर कोई फूली भी चीज दी उसको ऐसे सोल्यूशन में रखा जिससे वो बाद में क्या हो गई, पिचक गई। बाद में क्या हो गई? पिचक गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एग्जॉस्ट। इज इट क्लियर? रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन से? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है ना, हाइपरटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है ना, हाइपरटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा सॉल्वेंट कम होगा, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग बोल रहे हैं इसमें वाटर क्या होगा? कम। इसमें वाटर क्या होगा? कम। ठीक है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा बेटा जिसमें सॉल्यूट कम होगा सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यानी कि पानी ज्यादा होगा। ठीक है ना, और कि वो वाटर गेन करेगा कि लूज करेगा? बताऊंगी प्लाज्मा और सिंपल प्लाज्मा। पहले उसका अपन आगे की वो तो पढ़ ले, पहले ना पहले ट्रेलर देखेंगे फिर मूवी स्टार्ट करेंगे। विलन तो आखिरी में मरता है, पहले बता दो हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कभी कभार हीरो बन जाता है। चलो अब बताते हैं आइसोटोनिक, वो कब बताएंगे हम लोग? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बाद। देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, मेरे पास एक सॉल्यूशन, क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये मेरे पास जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कैसा है?
हमारे पास क्या बेटा, एक सोल्यूशन, ठीक है ना। इस सोल्यूशन के अंदर चार चम्मच चार बोल्स पानी है। कितना पानी है? चार बोल्स पानी है, ठीक है ना। और इस चार बोल्स पानी के अंदर मैंने क्या करके रखा है, 10 स्पून्स ऑफ शुगर डाल के रखी। क्या डाल के रखा है? 10 स्पून्स ऑफ शुगर, ठीक है। अब हम लोगों ने इस सोल्यूशन के अंदर एक सेल रखा। इस सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने क्या रखा है? सेल। जो सेल है, सेल के अंदर भी क्या है? पानी है। सेल के अंदर भी क्या है? पानी। कितना पानी है सेल के अंदर? 2 बोल पानी। कितना पानी है सेल के अंदर? सेल के अंदर 2 बोल पानी है। आ रही है बात समझ में? और 2 बोल पानी के लिए है ना, तो 4 बोल पानी था, अपन ने 10 बोल शुगर डाली। और अगर 2 बोल पानी है तो इसके पास कितनी शुगर डाली हुई थी? 2 स्पून्स ऑफ शुगर, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों सॉल्यूशन में से ज्यादा मीठा कौन सा होगा? नीचे वाला, 10 स्पून वाला। क्यों? क्योंकि 4 बोल के हिसाब से उसमें 10 स्पून शुगर थे। अगर हमको सेल का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही रखना था तो हमको 2 बोल पानी में एटलीस्ट 5 स्पून शुगर डालने थी। यानी कि कह सकते हैं कि शुगर के कंपैरिजन में बाहर पानी कम है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो बाहर वाला सोल्यूशन है वहां क्या है? कम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन। जब बाहर के सोल्यूशन में पानी कम है और अंदर के सोल्यूशन में पानी ज्यादा है, अंदर के सोल्यूशन में पानी ज्यादा है तो क्या होगा? सेल बोलेगा कि लो तुम मेरा पानी ले लो। सेल क्या करेगा? चाहत पानी लूज करेगा। क्या करेगा लक्ष्य? सेल पानी लूज करेगा। सेल इज गोइंग टू, जब ऐसा होगा तो पानी कहाँ से कहाँ चला जाएगा? पानी सेल से बाहर के कंटेनर में चला जाएगा। सेल वुड लूज वाटर, सेल वुड लूज वाटर बाय एक्सोस्मोसिस, बाय एक्सोस्मोसिस, ठीक है। और इस तरीके के सॉल्यूशन को जिसमें अगर हम लोग सेल को रखेंगे तो सेल को पानी लूज करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास सेल से भी कम पानी है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपरटोनिक। इज इट क्लियर एवरीवन? अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर से एक कंटेनर लिया। हम लोगों ने क्या किया? फिर से एक कंटेनर लिया, ठीक है ना। अब हम लोगों ने जैसे ही फिर से ये कंटेनर लिया तो इस कंटेनर में अगेन हम लोगों ने क्या कर दिया? पानी भर दिया। इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या भर दिया? फिर से पानी भर दिया। अब ये जब हम लोगों ने कंटेनर में पानी भरा तो हम लोगों ने इसमें 10 ग्लासेस ऑफ वाटर भर दिए। कितने भर दिए? 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। और इसमें 5 टेबलस्पून शुगर डाल दी। अब इस तरीके के सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक सेल रखा। हमारा सेल का कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट था, क्या? 2 बोल्स ऑफ वाटर और 2 स्पून्स ऑफ शुगर। अब मेरे को लक्ष्य बताएगा कि पानी कहाँ ज्यादा है, सेल में ज्यादा है कि ग्लास में ज्यादा पानी है जो बाहर बीकर? दीदी सेल में। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। और मुझे कौन बताएगा ऐसा ही सही जवाब? ये ऐसा ही सही जवाब मेरे को तानिया बताएगी। तानिया
पानी कहाँ ज्यादा है, सेल में हाँ कि मैम, बाहर कंटेनर में? बाहर कंटेनर में। अच्छा, तो हमारा लक्ष्य बोल रहा है कि पानी यहाँ ज्यादा है, सॉरी लक्ष्य बोल रहा है कि सेल में पानी ज्यादा है ना, और तान्या बोल रही है कि बाहर कंटेनर में ज्यादा है। सक्षम क्या बोलना चाह रहा है? दी मुझे तो कुछ और पूछना था। देखो कुछ भी पूछना हो जो मैं पूछ रही हूँ पहले वो बता। हाँ ना दी, बाहर कंटेनर में ज्यादा है, टेन बाहर बॉटल। कंटेनर में ज्यादा, ऐसा हमारा सक्षम भी बोल रहा है। और दृष्टि क्या कहेगी, क्या बोल रही है दृष्टि, बाहर ज्यादा है कि अंदर? दीदी बाहर अरे वाह, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है, और इससे हमें ये पता चलता है कि लक्स वाज नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास। ठीक है, तो क्योंकि बाहर ज्यादा है और अंदर पानी कम है, तो क्या सेल वाटर गेन करेगा? हाँ। क्या पानी यहाँ से यहाँ जाएगा? हाँ। सेल वुड गेन वाटर, सेल वुड एंड गेन ऑस्मोसिस। वाटर बाय एंडोस्मोसिस, और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक, जिसमें पानी क्या होगा? ज्यादा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जब कुछ